बरेली से कप्तान की छापा मारते ही दीवाल फांदकर भागा थाना प्रभारी निरीक्षक। कप्तान को सूचना मिली कि थाना प्रभारी निरीक्षक राम सेवक ने रुपए लेकर अफीम तस्कर छोड़े हैं। आईपीएस अधिकारी एसपी देहात मानुष पारिक ने थाना फरीदपुर में शिकायत पर छापा मारा तो थाना प्रभारी राम सेवक दीवाल फांदकर भाग खड़ा हुआ। उनके बैट से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर पर भ्रष्टाचार की सुसंगत धाराओं में उसी के थाने में क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। बरेली के कई थानों की पुलिस फरार है, थाना प्रभारी की तलाश कर रही है। इस प्रकरण में क्या कुछ कहा कप्तान ने आप भी सुने। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद दोनों निवासी नवदिया अशोक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।